अभी हम आए हुए हैं सी पी में। सी पी में हमें बहुत सारे आउटलेट देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। मैगी है, पिज़्ज़ा हट है, हल्दीराम्स हैं। वीडियो बनाने के बाद जब आप घर जाओगे यहाँ पे आ सकते हो और हमें मील इन्जॉय कर सकते हो। तब तक के लिए थोड़ा वेट करें, इंतज़ार करें जैसे हम कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और ये आपको सारे मॉन्यूमेंट्स वीडियो बनाते बनाते थक गए हम, इसलिए थोड़ा वी इन्जॉय करेंगे और काफ़ी हमारे साथ इन्जॉय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर ही आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा जहां से आप टिकट कैश में ले सकते हो। और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि स्कैनिंग का भी ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है और यहां पे लिस्ट लगी हुई है पर हेड कितना पड़ेगा। तो गाइस, यह है टिकट जो 25 रुपये का है। आप टिकट काउंटर से आगे भी ले सकते हैं और ऑनलाइन का भी ऑप्शन है यहाँ पर। काफ़ी है भाई। सो फ्रेंड्स, ये है बड़ा सा स्कैनर जिस पे आप स्कैन करके आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। ऐसा ही कुतुब मीनार के बाहर भी आपको एक स्कैनर दिख जाएगा और ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स के बाहर ये स्कैनर्स दिख जाते हैं जिससे आप इजीली टिकट बुक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एंट्री करते ही कुछ ऐसा सीन है और भी अंदर हम जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो ब्लाइंड लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हिस्ट्री लिखी हुई है जिससे कि वो अपनी फिंगर इस पर रख के सारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने मिल जाएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहसिन का सफ़र। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर और काफ़ी दिनों बाद आए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। सो बने रहें एंड तक। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं जंतर मंतर आया हुआ हूँ और आधे एग्जॉस्ट हो गया हूँ भाई, बहुत गर्मी है। सीधे सीधे भैया हम तो घास पर बैठ गए, चप्पल वप्पल जूते सब उतार के। पानी की बोतल ज़रूर साथ में लेके चलें वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। बाकी जगह बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पे आने के बाद काफ़ी नॉलेज मिलेगी, नॉलेजेबल जगह है, यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और हिस्ट्री है ये भी एक तरह से, तो उसकी पूरी वीडियो भी मैं जब डालूँगा आपको मिल जाएगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। इस पार्क में छोटा सा गार्डन है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आके एक छोटा सा गार्डन है जो बहुत अच्छा लगता है और इस कॉम्प्लेक्स की खूबसूरती को और इन्हेंस करता है। दिल्ली का जंतर मंतर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। महाराजा सेकेंड के द्वारा सन 1724 में ये बनवाया गया था। दिल्ली के साथ साथ चार अन्य जगहों पर भी ये बनवाया गया था। इंडिया के अंदर कई जगह ये बने हुए हैं। एंशिएंट इंडिया में साइंटिफिक प्रोग्रेस का बेहतरीन नमूना है ये जंतर मंतर। जय सिंह ने कुछ ऑब्जर्वेटरीज जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी में भी बिल्ड करवाई थी। मोहम्मद शाह के द्वारा एस्ट्रोनॉमर्स में डिबेट चलती रहती थी, आपस में बहस चलती रहती थी रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट, कि प्लैनेट की पोजिशन किस तरफ है। प्लैनेट्स के मोशन को, मूवमेंट को मेजर करने के लिए कई अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए। राजा जयसिंह सेकंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में बचपन से ही उनका इंटरेस्ट बना हुआ था। अपने फादर की डेथ के टाइम पे वे सिर्फ 11 साल के थे। तो आइए दोस्तों, अब इस सम्राट यंत्र का क्लोजअप से व्यू ले लेते हैं और ये देखिए कितना हाइट पर ये बना हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसको लॉक किया हुआ है गेट से। यहाँ पे गेट लगा रखा है, वो पूरी तरीके से बंद है, कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हुए हैं, पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए अंदर जाने की कोशिश ना करें। सो ये है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स है जो आपको फ़ौरन उतार देंगे अगर आप इधर उधर चढ़ते हो तो, या अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो। और यहाँ पे छोटे मोटे रूम्स हैं जिसका रीज़न पता नहीं क्यों है वो बने हुए, इसका रीज़न मेरे को नहीं पता। और यहाँ देखिए कितने मजबूत ताले से इसे बंद किया हुआ है कि शायद ही कोई तोड़ पाएगा। खैर बहरहाल, इसके नीचे आप देखेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि स्टेयर्स नीचे की साइड उतर रहे हैं और शायद वहाँ पे भी कोई रूम होगा, वहाँ पे भी अंदर से उसके अंदर जाने का कोई रास्ता होगा। तो जैसे ही और डीप स्टडी हम करेंगे इसकी तो हमें इसके बारे में भी पता चल जाएगा। फ़िलहाल अभी हम देख लेते हैं सरसरी तौर पर कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में और क्या क्या है देखने लायक और क्या क्या हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, या इसके बारे में मैं आपको बताने का फुली ट्राई करूँगा। अब हम चलते हैं सामने की तरफ। और ये 11 साल की एज में उन्हें अपने फादर का तख्त संभालना पड़ा।
सोच सकते हैं दोस्तों आप 11 साल की एज में अपने फादर का तख्त संभालना, जिसकी वजह से उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो उन्हें छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक तरह से 30 लाइनें हैं और बीच में एक सिलेंड्रिकल शेप में एक पिलर खड़ा है जो सूरज की रोशनी पड़ती थी और फिर वो कुछ लाइंस पर उसकी परछाई आती थी, उससे हमें डेज के बारे में बताया जाता था। और ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी ये भी बंद किया हुआ है तो आप अंदर किसी भी तरह से नहीं जा सकते। तो एक तरह का यंत्र था जो डेज के बारे में बताता था। ये आप देख सकते हो, अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है उसकी एंट्री यहाँ से है और पूरे सर्कल शेप में बना हुआ है, जैसे कि इसे हम बोलते हैं राम यंत्र, ठीक है, सन डायल भी इसको बोलते हैं, ऐसे ही इसी तरीके से सेम मून डायल भी यहाँ पर है। यहाँ पे दोस्तों पूरे पूरे एंगल दिखाए गए हैं कि कैसे सूरज की रोशनी इस पिलर पे पड़ेगी, तो जिस पोजीशन पे सूरज की किरण पड़ेगी परछाई बनेगी वही एक तरह से डे दिखाता था, टाइम बताता था। यहाँ हमें कौन कौन से ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ हमें सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, रमा यंत्र और मिश्र यंत्र देखने को मिलेगा। सम्राट यंत्र, इसको हम सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ये ट्राइंगल के आकार में है, दैट इज़ बेसिकली ऑन इक्वल आवर सन डायल। सेकेंड हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जय प्रकाश यंत्र, द जय प्रकाश कंसिस्ट ऑफ हॉलोड एंड हेमिस्फेयर विद मार्किंग ऑन द कनकेव सरफेसेस। कैलेस्टल सिस्टम को ईजिली समझने के लिए, जो तारों की गतिविधि होती है उसको ईजिली समझने के लिए ये यूज़ में आता था। टू लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विथ ओपन टैप यूज टू मेजर द ऑल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑन द अर्थ। फोर्थ इज मिश्र यंत्र, को हम मिश्र इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पाएंगे, जो इसे उल्टा हार्ट का शेप देता है, जो अक्सर हमें बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है जब हम अपने एनसीईआरटी की बुक्स खोलेंगे या जब भी जंतर मंतर की बात आती है, जो जिस इंस्ट्रूमेंट को दिखाया जाता है जो उल्टे हाथ का शेप होता है, उल्टे हार्ट का शेप जो होता है, उसी को हम मिश्र यंत्र भी कहते हैं। और ये यूज़ होता था साल के लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे बताने के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये यंत्र है और वक्त के साथ साथ इन सारे स्ट्रक्चर्स ढलते रहते हैं, यहाँ पे काम चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, ये हमेशा सिक्योरिटी के अंडर में रहता है और ये बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। तो एक मैं एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और तो आप अपनी वाटर बॉटल लेके जाएं साथ में, जिससे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ही अच्छी ये घूमने की जगह है, यहाँ पे आप अच्छा खासा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और टिकट भी ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये बीच में भी बंद रहा था, जैसे कि और मॉन्यूमेंट्स बंद रहे थे, तो जैसे ही ये ओपन हुआ है मैं आपको ये दिखाने के लिए आ गया हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, इन्जॉय करें घर बैठे बैठे ही। गर्मी बहुत है, आपका भाई है पूरी वीडियो दिखाएगा आपको, विजुअली पूरी डेली घुमाएगा। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए। तो भाई मैं आया था जंतर मंतर ब्लॉग बनाने, आते ही मैं एग्जॉस्ट हो गया, बहुत गर्मी है, पानी की बॉटल साथ में लेके चले, ग्लूकॉन डी वगैरह डाल गया, वरना ऐसे सीधे सीधे लेट जाओगे भाई, बहुत दिक्कत है भाई, बहुत गर्मी है। जब वीडियो अच्छी बनानी हो ना, जिस वीडियो में मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा ही हो जाता है। इस वीडियो में भी मेहनत लगी है, आप जाके चैनल पे मेरे ज़रूर देखना, मस्त वीडियो है।